हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। गाइस, आज मैं आपको माइक को रिपेयर करना बताऊंगा, क्योंकि वीडियो नहीं आ रहा था इस माइक की वजह से। और अभी जो वॉइस आपको सुनाई दे रहा है वो भी बिना माइक के रिकॉर्डिंग हो रहा है, क्योंकि चूहों ने इसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। अगर आपके पास भी ऐसा माइक है या कोई भी सर्किट है जिस पर चूहों ने अपना हाथ साफ कर दिया है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा इसे किस तरीके से रिपेयर किया जा सकता है। चलिए गाइस, वीडियो को तुरंत से स्टार्ट करते हैं। इसे रिपेयर करने का मैं आपको दो तरीके बताऊंगा जिससे आप इसे आसानी से ठीक कर पाओगे। सबसे पहला स्टेप तो आपका यह आता है, आपको यहाँ पर वायर को चेक करना पड़ेगा, वायर कहीं से टूटा हुआ है या ये शॉर्ट कर गया है, क्योंकि जब चूहे जब इसे काटते हैं तो वायर अंदर से शॉर्ट भी कर सकता है। ये दो टुकड़ा मतलब दो भाग में बट चुका है, लेकिन आपके पास हो सकता है कि ये दो भाग में ना बटाओ, सिर्फ यहाँ पर जो वायर्स है वो हट गए होंगे। तो इसे आपको सबसे पहले तो छील लेना पड़ेगा, मतलब इसका जो कवर है उसे आपको हटाना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमें दो वायर देखने को मिलते हैं जो कि पूरी तरह से प्लास्टिक पर यहाँ पर पैकिंग है, एक है रेड और दूसरा हमारा है येलो। इस पर भी हमें टोटल दो वायर ही देखने को मिलेगा। अब अगर आप इस पर सोल्डरिंग करना चाहोगे तो ये सोल्डरिंग नहीं होने वाला है, क्योंकि इसे सोल्डरिंग करने के लिए सबसे पहले जो इसका इंसुलेटर जो वायर है इसे हमें रफ करना पड़ेगा। यहाँ पर जो प्लास्टिक की जो कवर लगी हुई है इसे हम यहाँ से रिमूव कर देंगे और उसके बाद सेम वायर कलर कोड के हिसाब से डायरेक्ट सोल्डर कर देंगे। अब इसका जो वायर है वो हम डायरेक्ट इस पर फोल्ड कर देंगे, मतलब इस पर मोड़ देंगे, उसके बाद हम इस पर चाहे तो सोल्डर कर सकते हैं। या आपके पास अगर सोल्डरिंग मशीन नहीं है तो इस पर मैंने पहले वीडियो बना दिया है, आप इस तरह से सोल्डरिंग मशीन घर पर बना सकते हो। और अगर आप चाहो तो आप इसे डायरेक्ट भी यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक टेप होता है उससे आप यहाँ पर इसे इंसुलेट कर सकते हो, मतलब दोनों वायर आपस में टच ना करें, तो उसके लिए आप यहाँ पर टेप का डायरेक्ट यूज कर सकते हो। मेरे पास यहाँ पर सोल्डरिंग मशीन है तो मैं सोल्डर मशीन से इसे सोल्ड कर देता हूँ, और उसके बाद सेम कलर की वो टेप लेना, क्योंकि उससे आपका जो माइक है वो ख़राब नहीं दिखने वाला है, अच्छा दिखेगा। मैं यहाँ पर टेप भी इस पर लगा दूंगा, उसके बाद मैं आपको लाइव टेस्ट भी करके दिखाऊंगा अभी की वॉइस कैसी है और इसके बाद कैसी वॉइस आएगी वो आपको पता चल जाएगा। आप यहाँ पर देखो माइक जो है उसे मैंने सोल्डर कर दिया है और ये अब कंप्लीट भी हो चुका है। तो अब मैं आपको इसे टेस्टिंग करके दिखाने वाला हूँ, चलिए मैं टेस्टिंग करके आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ। अभी मैंने माइक को कनेक्ट नहीं किया है, क्योंकि आपको डिफरेंस तभी पता चलेगा जब मैं बिना माइक के बोलूंगा और उसके बाद माइक को कनेक्ट करने के बाद मैं बताने वाला हूँ। अभी जो वॉइस आप सुन रहे हो बिना माइक की है, अब मैं माइक को कनेक्ट करने वाला हूं और उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है, ये रिपेयर हुआ भी है या नहीं हुआ है। अब आप मुझे बताओ आपको यहां पर साउंड क्वालिटी अब कैसा लग रहा है, मतलब कैसी लग रही है, कैसा लग रहा है वो आप लोग समझना। यहाँ पर मैंने माइक को कनेक्ट कर दिया है फ़ोन के साथ और अब जो क्वालिटी है उस पर आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल गया होगा। अगर आप भी इस तरीके से बनाते हो और अगर आपका माइक जो है वो कंप्लीट अगर हो जाता है या रिपेयर हो जाता है तो उसके लिए आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि कभी मैं फेक वीडियो नहीं बताता हूँ। अगर ये काम करेगा तो मैं रियल बता दूंगा, अब अगर ये काम नहीं करेगा तो मैं इसे फेक बता दूंगा। और अगर आपको फिर भी लगता है कि मैं अगर आपको फेक इन्फॉर्मेशन देता हूं तो आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पर मुझे फॉलो करके आप मुझे वहां पर अपना कमेंट करना, मैं आपको वहां पर प्रूफ भी दे सकता हूं ये रियल है या नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे किसी के साथ न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।